जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसूद ख्वाजा आपको सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू कहता है जी। चिल विद रोज़ के साथ आपका खादिम हाजिर है हमारे साथ एक बार फिर। खूब रू हसीना, बड़ी अच्छी मॉडल, बड़ी अच्छी कंपेयर, कौन है आप? बारिका। तो अपना तारीफ खुद करवाएं, मैं आपका मुलाजिम लगा हुआ तो आप लोगों को बताने कि मैं बारका हूं। तारीफ की मोहताज नहीं रही। वाकई मोहताज अल्लाह ताला आपको करे भी ना जी। बारका हमारे साथ आज फिर है और बारका जो है बारिश के बावजूद ये अपने टाइम पे आई, मेकअप भी टाइम पे हुआ और सबसे बड़ी बात है कि बारका बड़ी मेकअप ये करती नहीं, इन्होंने ये कहा और ये कहने से पहले इन्होंने 100 दफा सोचा जो आज मैंने। बाकी मेकअप तो आपने किया भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मेकअप होता है एक नॉर्मल सी चीज। आपने तो इतने सारे सामान इकट्ठा करके उसमें से कोई एक ब्रश निकल रहा है, कोई दो ब्रश, इसे मेकअप नहीं कहते, इसे कहते हैं बखेरा। आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, वो कोई फ्रांस नहीं था, वो हम टोखबा गए थे पिंडी। ओहो, बातें बताने के लिए होती। बारका मेरे साथ है और हमारा चिल विद रोज जो प्रोग्राम है आपको पता है बड़ा कैजुअल सा है। इसमें हमारे पास गेस्ट होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, किसी भी शोबे से हो। लेकिन आज मैं एक बात बताता चलूं कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये जो अभी जिस सेट पे हो रहा है, हमारा सेट जो है स्टूडियो हमारे दोनों बन रहे हैं, उनकी अपना रेनोवेशन हो रही है तो जिस वजह से हम प्रोग्राम जो है स्टूडियो में सेट पे कर रहे हैं। हमारा स्टूडियो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ा स्टाइलिश बन रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है। रोज टीवी का ये खासा है कि हर प्रोग्राम के लिए उसको डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। बिल्कुल। आपको कैसे लगता है आपका अपना प्रोग्राम? मेरा अपना हो गया वैसे ही। ये तुम्हारा ही प्रोग्राम है, मैं तो इखलाकन तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, आपका इखलाक भी कुछ बहुत ज्यादा है। बस मेरा यही तो। वैसे कैसे लगता है तुम्हें अपना चिल विद रोज? मैं बहुत चिल करती हूँ, मुझे आदत ही चिल की है। तो इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक हुई, लोगों ने कोई तारीफ की? नहीं, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। और घर वाले क्या कहते हैं? सबसे पहले घर वालों की तारीफ होती है। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले बस कहते हैं कि कुछ जो है भूख ज्यादा लगती है तुम्हारा शो देख के मुझे समझ नहीं आई इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फिल्म देखने के लिए जाते हैं ना किसी अच्छे सिनेमे पे, तो आप अपने साथ जनाब ले जाते हैं, पॉपकॉर्न ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं, वो साथ साथ खाते रहते हैं, तो बुरी फिल्म भी हो तो हजम हो जाती है। तो ये एप्रिसिएशन लो या क्या मतलब इसका? उसी तारीफ ही समझो। आज हमारे साथ बड़े बड़े कमाल लोग हैं। पहली जो हमारी खातून, खातून कहना तो ज्यादती होगी, हमारी जो लड़की, हमारी ये खूबरू हसीना, मेरा इनका साथ जो है 2007 से है और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे आई, फिर एक्ट्रेस बनी, काम बहुत अच्छा किया, प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया, ड्रामे बनाए, ड्रामों में खुद भी काम किया और सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी बिजनेस माइंडेड और ख्वातीन के लिए बड़ी ढाल है कि ये इत्माद बहुत है और ये कहती है कि जो लड़की ये समझती है मैं कुछ नहीं कर सकती, वो गलत समझती है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ है जी आयरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयरा कैसी हो? I'm good, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मौसम भी ऐसा है, कुछ गला वाला भी सुना आपका खराब है। एग्जैक्टली, मौसम का असर है, कुछ लोगों की तबीयत का असर हो जाता है। अच्छा, सुभान अल्लाह, लोगों की तबीयत का असर हो गया। बड़ी बातें होनी है और खुल के होनी है आज बार का। अच्छा, नहीं बता? नहीं, मैं सोच रही थी। वाकई आप सोच रही हो? इनके साथ ही हमारे जो सिंगर है, बड़ा प्यारा सिंगर है, जब हमने स्टार्ट लिया था उस वक्त भी मेरे साथ था और मुझे बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल से गाता है और सीखता है। और जब आप देखेंगे मेरे साथ कई प्रोग्राम में आ चुका है, ख्वाजा ऑन डिमांड में भी आ चुके हैं, अदील लतीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अदील कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है यार, मैं चेंज हो गया 2-4 सालों में, तुम चेंज नहीं हो रहे, क्या वजह? किस तरह से? मतलब ना शक्ल से चेंज हो रहे हो, ना जिस्म से चेंज हो रहे हो? आप कहां से चेंज हो रहे? मैं सिमुलेट हो गया हूं। हमारे साथ अदील लतीफ जी सिंगर आयरा है और आपकी कॉल्स लेंगे 0512331676, ये नंबर है जी लाइव कॉल्स के लिए, बातें होंगी जी। क्या कहेंगी बारका आयरा से, आप क्या पूछना चाहेंगी? आयरा, आई वेलकम यू ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और दूसरा, सबसे पहले तो ये कि आई प्रेज यू कि आपने बीइंग अ वुमन बहुत हिम्मत की। हिम्मत की भी बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक सपोर्टिव फैमिली मिलती है, एक इन्वायरमेंट मिलता है और उसके बाद आपने उसी फैमिली और उसी इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हुए बैक
एक ट्रस्ट बिल्ट अप करना होता है. जब आप वो कर लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ आपकी अपनी एफर्ट्स भी होती हैं, अपना अपने आपके अपने ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. इट डजेंट मैटर कि आप लड़की हो या लड़का हो, जब आप इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, चाहे वो कोई भी काम है, किसी भी तरह की जॉब है, किसी भी नोयत का काम. अच्छा, काम को नहीं पता होता है कि ये मोबाइल को नहीं पता कि जिसको जो टच कर रहा है वो आदमी है या औरत है. घर के बर्तन को ये नहीं पता होता कि मुझे जो टच कर रहा है, जो मुझे धो रहा है, वो मर्द है या औरत है. एग्जैक्टली. तो तय हुआ कि चीजों का जिनसे कोई ताल्लुक नहीं है. Exactly. आपके अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए आगे बढ़ने की और सच्चाई के साथ. बिल्कुल, ऑनेस्टली गाना गाते हुए फोकस करना चाहिए. डिफरेंट ओपिनियन है जी, प्लीज. हाँ, वी लिव इन अ मैन डोमिनेंट सोसाइटी, तो इसमें औरत को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. व्हाट डू यू से ऑन इट? एफर्ट तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है, बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस का सामना होता है. मैन डोमिनेटिंग की बात नहीं है, वो अल्लाह पाक ने मर्द का एक दर्जा हमसे ऊपर रखा ना. चलो, ये औरत तो मान गई, लड़की सुन, वो लड़की मान गई, तू नहीं मानती. मैं नहीं मानूंगी. हाँ, लेकिन बीइंग अ वर्किंग वुमेन आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. एग्जैक्ट. ठीक है, आपको घर भी देखना है, अपने इन लॉज को भी देखना है, अपने अपनी फैमिली को भी देखना है, और अबव ऑल अपने अपने काम पे फोकस करके अपने आप को भी आगे रखना है. सबके सामने मनवाना है कि यू कैन डू समथिंग. बिल्कुल. कैसा लगा ड्रामे में आके काम, कैसा लगा ड्रामे में? एक्टिंग इज अ वेरी वेरी टफ फील्ड. सबसे बड़ी बात, आप जैसे सीनियर लोगों से पहले सीख के फिर आगे आए तो फिर बहुत सपोर्ट मिल जाती है काम में. लेकिन बीइंग न्यू और एक इनिशियल जो स्टार्ट होता है लाइफ का बीइंग अ एक्टर, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आप जैसे सपोर्टिव जो हमारी एकेडमी का दर्जा रखने वाले लोग हैं, जब वो सपोर्ट कर देते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो. लेकिन आप कहो कि आप परफेक्ट हो गए हो एक इतने रेयर एक्सपीरियंस में, तो वो नहीं होता. वो तो कभी भी आखिरी उम्र तक आपको. एग्जैक्टली. अदील हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं. अदील, आप गा ही जा रहे हो, लोगों ने अपनी वीडियोस बना लिए, पैसे इकट्ठे करके ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कर रहे वीडियो, क्यों नहीं बना रहे तुम? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो के लिए आपकी बात ठीक है, पैसे इकट्ठे करके. एक्चुअली मेरा अभी जो इनिशियल गोल है वो मैं साथ साथ स्टडीज के ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ. और तुम स्टूडेंट सिंगर हो इसलिए भी, तो एक्चुअली मास्टर्स भी मेरा साथ साथ चल रहा है, तो उसकी वजह से कुछ टाइम की ऐसी मैनेजमेंट मुश्किल होती है कि क्योंकि आपको पता है इस फील्ड में तो ज़्यादा टाइम इसको टफ चाहिए होता है. तो स्टूडियोज़ में मेरे अभी सॉन्ग्स कुछ रेडी हैं, लेकिन उनको मैं अभी इसलिए नहीं आगे कर रहा कि स्टडीज़ की वजह से थोड़ा सा मैं फिर वो उस पर आ जाता है. फिर फादर मेरे कह रहे हैं कि साथ साथ स्टडीज़ को भी कैरी ऑन लाजमी करो, और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि गाने का मज़ा लेते हो, गाने का जो टेक्निकल मज़ा आता है गाने का वो लेते हो? Obviously, फील किए बगैर तो गाया. इस वक्त क्या फील कर रहे हो? मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश. इस वक्त कुछ ऐसा ही, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा जी. अदील हमारे साथ है और मौसम इस्लामाबाद का बाकायदा आशकाना है, तो थोड़ा सा अदील साहब भी गुनगुनाएंगे और अमार से भी मुलाकात हो गई, तो मेरे ख्याल में जरा ये भी सुन लें. तो
और बड़ा मजेदार। कैसी लगी तुम्हें आवाज, कैसी लगी? दिल को छू गई आपकी आवाज, माशाल्लाह जी। और बारका का नाम क्योंकि बारका है तो मेरी बेटी आज कह रही थी कि वो बाकरा आ गई सचमुच। और मेरा स्टाफ भी अदील बड़ा मजा आया था, अली बैठ के सुनने लग गया, इतना हमारा जोश का गाना आपने गाया। उमर जो हमारे चीफ हैं, सेट डिजाइनर भी यही है सब कुछ, तो वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे और कह रहे थे बड़ा अच्छा गा रहे हैं। हमारा इतने मौके मिलने के बावजूद मौसीकी को मेरा सम्मान होना चाहिए कि मैंने गाना नहीं गाया। एग्जैक्टली आपने गाया कि नहीं गाया? मैंने गाना नहीं गाया, लेकिन कभी गुनगुनाई तो होंगी। हाँ, गुनगुनाई। क्या गुनगुनाती है? जो गुनगुनाती है कोई लड़की तो क्या गुनगुनाती है? आप बिल्कुल खामोश होगी, आप क्यों नहीं उनसे पूछ रही? क्या मतलब कोई क्लैश आ गया, पर्सनालिटी क्लैश की वजह से खूबसूरत लग रही है या आपको? नहीं नहीं नहीं, शी इज वेरी प्रीटी माशाल्लाह। रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। कॉलर है मेरे साथ, अगर आपकी इजाजत तो मैं कॉल ले लूं। नहीं, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं भी दोगी तो मैंने लेनी है कॉल जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, लाल जौहर गिलगित से बोल रहा हूँ सर। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब जनाब, कैसा मौसम है आपके इलाके में? देख के मुझे बड़ी खुशी था, अगर मैं देख रहा हूँ और ये जो काले कोट पहन के बैठे इसको भी बताए थे गाना गाएंगे हम, देखेंगे। अरे आपका हुक्म सर आंखों पे, बड़ी मोहब्बत आपकी कॉल की जी, बहुत शुक्रिया। अरे देखिए जी, हमारे कॉलर ने कह दिया है कि काला कोट पहन तो के अब आपको गाना पड़ेगा, अब गाना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा, मेरा गला भी खराब है। कोई बात नहीं, दबा देंगे। मेरे मतलब गले में एक दफा दबाएंगे तो फिर सुर निकलेगा जी, थोड़ा सा। अच्छा कौन सा मुझे? अच्छा कौन सा? हाँ कोई भी गा दो। अच्छा जो मुझे आता है थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। ये आपके लिए जो अभी कॉलर थे हमारे जी, बिल्कुल प्लीज प्लीज। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है खुदा से, दुआ है दो दिल जुदा ना करे। हो वाह जी वाह, बड़ी बात है जी, हमसे अच्छे तो कॉलर हैं जनाब। आपकी देखिए, आपके कहने पे हमें भी सुनने का मौका मिल गया। तो अगर बरका आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा गुनगुनाइए। मैंने कहा ना, मैं नारे लगा सकती हूँ, गा नहीं सकती। मसूद ख्वाजा के नारे लगाओ, चलो अभी देख लेते हैं। मसूद ख्वाजा का वोट दो मुझे, सिर्फ नोट दो मुझे, वोट नहीं चाहिए। अच्छा डायरेक्ट नोट है, डायरेक्ट जी सॉरी। अच्छा कॉल पे है, मेरे प्रोड्यूसर बड़े अच्छे हैं, तारिक साहब मेरे हेड हैं, आपस में इतना शोर शराबा करते हैं क्योंकि एक कह रहा है कि मसूद ख्वाजा अच्छा है, दूसरा कह रहा है बारका अच्छे है। तो कॉलर है जी लाहौर से जी, बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थोड़ी आवाज ऊंची कर दीजिएगा। कौन साहब कहाँ से? जी जाकिर मलिक रावलपिंडी से। जाकिर पिंडी से, जाकिर भाई क्या कहेंगे? जी ख्वाजा साहब से बात करनी है। जी मैं ख्वाजा ही बोल रहा हूँ, बोल रहे थे कि कैसे हैं सर। जी जी कैसे हैं जाकिर आप? अल्लाह का एहसान, बड़े अरसे बाद आपका दीदार हुआ है, बड़े बस बड़ी मोहब्बत है। ये गाने वाले प्रोग्राम में मुझे बिठाते नहीं है एक्चुअली। जी सॉरी जाकिर, क्या क्या कहेंगे? मौसम बड़ा अच्छा है, हमारे पास सिंगर भी अजीम मौजूद है, आयरा हमारी सुपरस्टार बैठी है। सर बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है सर, और बड़ा लाइक करते हैं मेरी फैमिली भी। आप बारिश में कुछ सुनना चाहेंगे? आपको गाना आता है जाकिर भाई? जी गाना आता है मुझे, तो थोड़ा सा सुनाए यार, ताकि हमारे देखने वाले देखें कि हमारे कॉलर जाकिर साहब पिंडी से कैसा प्यारा गाते हैं। सर मैं जर्नलिस्ट हूँ और वो जर्नलिस्ट भी गाना गा सकते हैं। जर्नलिस्ट ही गाना गाते हैं, गुलकार में तो पैसे लेके गाते हैं। जी जाकिर भाई, गाना मैं थोड़ा सा मैं दो चार शेर सुना देता हूँ जी, प्लीज प्लीज। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा इंशाल्लाह, तेरी लिखी है इंतजार कर। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो
जाकिर भाई बहुत अच्छे और बहुत शुक्रिया आपने कॉल भी की। कैसा लगा आयरा आपको? हमारे कॉलर्स भी बड़े कमाल हैं। रोज टीवी की खासियत है कि लोग इसे फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। एग्जैक्टली, रोज टीवी तो बड़ा फेमस है फैमिलीज में। बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखती हूँ। ये तो आपकी बड़ी मोहब्बत है। अच्छा बकरा, अपना बारका अदील से, मतलब वो मैं याद नहीं रहता, अदील से थोड़ी इज्जत से लें। अच्छा, इज्जत से आपा लो, अब आपा बनाते हैं। मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं जी, ये ना कहिएगा प्लीज। अच्छा, आइंदा नहीं कहेंगे मादाम। आपके मैं आपा नहीं बन सकती। नहीं, मैं आपके आपा नहीं बन सकती, खुश तो खुदा का खौफ करें आप। ओ बेबी, ओ काकी, बेबी के अदील से क्या सुनोगी? अदील से हाँ, गाने की बातें तो करें, लेकिन थोड़ा सा गाना ऐसा जो एहमी जरा नहीं होता। मेरा उधर कैमरा मैन नाच रहा हो, उधर प्रोड्यूसर नाच कर रहा हो, उधर आदर डांस कर रहा हो, क्या कहते हैं, थोड़ा सा चुलबुला सा। उमर साहब तुम भी दस सकते हो, साले कैमरा मैन मेरा जान है ना, है ना जी। आप क्या लगता है, ये तो देखने वाले की नजर पे है। नहीं नहीं, आप चुलबुले हर तरह के गाने अच्छे गा सकते हैं। बड़ा लाउड, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इस वक्त जो दिल चाहे, जो दिल चाहे। लेकिन दोनों लेंगे म्यूजिक के साथ। वन, सामने आपका कैमरा जी, सामने ही, ठीक है। वन टू थ्री फोर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वी वेलकम यू बैक विद अ ब्यूटीफुल शो चिल विद रोज। अच्छा आयरा, आपका एक तो नाम, इट्स वेरी यूनिक, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। थैंक यू। इसका मतलब क्या है? आयरा मींस रिस्पेक्टेबल, काबिल इज्जत। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उर्दू में है या किसी अरबिक लैंग्वेज? अरबिक लैंग्वेज। अरबिक, इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, तो आयरा माशाल्लाह करियर के साथ यू आर मेंटेनिंग
योर फैमिली लाइफ वेरी वेल, मैरिड लाइफ. हाँ, मैरिड लाइफ. और ये एक बहुत कमाल होता है. और ड्रामे भी बड़े बना रही है. कमाल कमाल. हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव इन कंसर्न ऑफ एवरीथिंग. इधर इज इट इज माय सोशल लाइफ और समथिंग लाइक इन लॉज की जो आयरा के साथ कमाल लगता है. शोर का नाम है आपके जी? अच्छा, ये हमें पता तो हो ना कि अक्सर वो लोग वालिद का नाम भी लगा लेते हैं. तो आयरा अम्मा. अच्छा, रिदम बड़ी खूबसूरत है. आयरा अम्मा. आयरा, ये बताइए कि आप ड्रामे बनाती हैं, दोनों मियां बीवी आप मिलके प्रोडक्शन करते हैं. एक्चुअली शादी के बाद मैंने ऑन स्क्रीन नहीं काम किया उस तरह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन में यही अपनी प्रोडक्शन को कैरी ऑन करती रही हूं. ये ड्रामे आप जो बनाती हैं, लोग इतराज करते हैं बार का कि ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, आप पड़ोसी मुल्क को छोड़ दें. एक तो हर चैनल ने पड़ोसी मुल्क के ड्रामे लेके चलाने शुरू कर दिए. वाहियात बंद. हमारे लोकल आर्टिस्ट, हमारे लोकल ड्रामे, लोकल ड्रामे हमारे साइड पे कर दिए. रोज ने ये किया. एक दो चैनल है पाकिस्तान में जिसमें रोज सरफेस्ट है कि हमारे पास जाब्ता अखलाक भी है और अपने ड्रामे अपने प्रोडक्शन चलाते हैं पाकिस्तान की. वाहियातपन जो ड्रामों में आ गया है, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के ड्रामों में भी यही वाहियातपन है? एक टाइम था जब लोग पाकिस्तान के एक्टिंग और ड्रामास को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते थे, दूसरे पड़ोसी मुल्क फॉलो करता था, फॉलो करता था. और इस बात पे वो हमारे चैनल्स भी बैन करते थे कि वो इतने ज़्यादा फेमस थे वहाँ पे. अभी भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ओब्वियसली वो जितना कंपटीशन आगे जा रहा है उसमें वो कहते हैं ना, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है. अच्छा, अच्छा. दो ओपिनियंस हैं. कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इस वक्त जो है दैट इज़ वेरी नेचुरल, क्या हकीकत के करीब हमारे है. जो कुछ कहते हैं वल्गर है. आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, वल्गैरिटी तो ऑब्वियसली चल ही नहीं सकती पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा कल्चर ही इससे रिलेटेड ही नहीं है. फैमिली के साथ नहीं देख सकते. फैमिली के साथ कुछ चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे, जहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है, वो बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते. और खत्म हो जाए. लेकिन बात यह है कि एक बेड के सीन चल रहे हैं, मियां बीवी के ड्रामे आप दिखा रहे हैं, बेड पे वो नहीं हो सकता. आज के जो ड्रामे हैं, मैं माजर के साथ मैं खुद ड्रामे करता हूं, बच्चों के साथ आप बैठे होते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है. यही हाल बारका हमारी वीडियोस का, जो हमारे गानों के वीडियोस हैं, यही हाल उनका है. And this is against our culture, I think. मेरा ख्याल है. हाँ. लेकिन ये जो गाने आजकल बन रहे हैं, अधिक मुतासिर इनसे जितने भी हैं ये सिंगर जितने भी हैं, क्योंकि जिसके पास 2-3 लाख रुपए आता है वो इकट्ठे करके वो ड्रामा बना लेता है, वो जनाब पैसे आते हैं वो वीडियो गाने की बना लेता है, किसी से मशवरे नहीं लेते. हर बंदा कहता है इब्रार गा रहा है, जवाब गा रहा है, फलां गा रहा है, तो हम क्यों नहीं गा सकते? ये तो बड़ी गलत बात है. उन्होंने बड़ा टाइम दिया उन लोगों ने. स्पेशली अदील तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं. हाँ. जो ट्रेंड चल पड़ा ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एक कॉलर है अदील, कॉल लेके फिर आपसे बात करते हैं. जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. खजा साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी. कौन साहब कहाँ से? मैं तारिक अजीज बोल रहा हूँ, डी आई खान से. क्या हाल चाल? जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह की रहमत है. आप क्या कहेंगे जी अदील भी हमारे पास बैठे हैं, आयरा नहीं है, ड्रामो के हवाले से, पाकिस्तानी ड्रामो के हवाले से बात करेंगे. आजकल ऐसे ड्रामे नहीं है जो फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकते हैं. नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम आपका, फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं. लेकिन एक छोटा सा मैं पैगाम देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. जी जी जी, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये खासकर रोडों का, रोड बन रहे हैं हमारे, तो तरक्की हो रही है. लेकिन थोड़ा सा इस तरक्की के पीछे गरीब बंदों का थोड़ा सा माली तौर पे डाउन हो रहा है कि मेरे घर के सामने रोड है, हर 2 साल बाद 1.5 साल बाद वो 2.5 से 2 फुट ऊंचा हो जाता है. तो मेरी जितनी बचत वगैरह जो कुछ वो उस घर को ऊंचा करने पे लग जाती है. तो अगर ये अगर कोई कानून बना दें कि जो रोड ऊपर करने के बजाय वहां से ठेकेदार वो मटीरियल पुराना उठा के किसी गहरी जगह पे डंप कर दे और रोड वही ऊपर इतना सीवेज खराब हो. इसके बाद हम यही बात करेंगे. बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका जी. डे खान से बड़ी कमाल बात है कि आप रोड खराब होता है उसके ऊपर रोड डाल के वो मकान नीचे हो जाते हैं, पानी आता है, सलाब आता है, घरों में चले जाते हैं, घरों में बहुत मसला है, पानी बड़ा आ जाता है. गाना आप किस किस्म का सुनती है? आप डिपेंडिंग ऑन मूड. मूड इस वक्त क्या मूड है आपका? कोई अच्छा सा सॉफ्ट बारिश के ऊपर, बारिश के ऊपर सॉफ्ट सॉन्ग होना चाहिए. बारिश के ऊपर गाने की बजाय अगर बारिश ही आपके ऊपर करवा दे अच्छा
अच्छा एक कॉलर है, पहले एक कॉल ले लेते हैं आप ही के नाम। जब मेरे गेस्ट आते हैं ना, मेरे गेस्ट इतने माशाल्लाह मेरे लिए लकी होते हैं कि कॉल्स बहुत आती हैं। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वाजा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी मेरी छोटी सी फैन, छोटी बहन हमारी और रेगुलर कई सालों से हमारी रेगुलर कॉलर है हमारे रोज की उसकी। फातिमा कैसी हो? फातिमा क्या सुनेंगी, कैसे सुनेंगी ये बताएं। वाजा बाजी आप ही गाना गाए। मैं फातिमा, मैं गाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे कि क्या गा रहा है ये। चलो फातिमा के आपके नाम, अदील जो गाना गा रहा है वो आपके नाम। बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू बेटा जी। अदील क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, खफा हो गए हो, जुदा हो गए हो, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें, वो मेरे साथ वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, सागर की इन लहरों से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार, क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई। बहुत खूबसूरत, बहुत अजी लाइव, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह और बड़ा टैलेंटेड बच्चा। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर नुसरत साहब को मैं बहुत सुनता हूँ। वो तो देखे जब सिंगर कहेंगे तो मैं इन बाकियों की बात करूंगा, वो सिंगर नहीं थे, मैं उनको सिंगर मानते नहीं, नुसरत साहब को माजरत। आजकल के वो लोग गुरु थे, गुरु कभी सिंगर नहीं होता। मैं तो सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जो आम लोग हैं, वो गुरुओं की बात करें, गुरु तक तो माजरत के साथ हमारे बच्चे तो उनका साया भी नहीं है, तो जो सिंगर्स हैं नॉर्मल उनमें कौन से। लेकिन इंस्पिरेशन लेना तो मुझे मोस्टली मैं पाकिस्तान में भी कुछ सिंगर से काफी इंस्पायर हूँ, अक्रॉस पाकिस्तान भी। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो सज्जाद अली खान साहब हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप हिट हो गए आप किसी लेवल पे चले गए तरह के आगे, तो कल कोई नया बच्चा आएगा जब वो मुझे कहेगा ना कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उधर की, तो मैं उसको पकड़ लूंगा गिरबान से। आपने पाकिस्तान की बात करनी है, सबसे पहले अपने शहर की बात करनी है, फिर अपने सूबे की बात करनी है, फिर अपने वतन की बात करनी है। अपने वतन के लोगों को देख के ही आए हो ना, कोई नहीं सोने में उनको पता ही नहीं है कि उसके आप जैसे 1 करोड़ फैंस होंगे, लेकिन इब्रार उल हक हमारे प्रोग्राम्स में आता है, मैं उसे कह सकता हूँ कि इब्रार तुम्हारा अदील बड़ा फैन है, मैं नुसरत साहब के रात को कह सकता हूँ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है कि अदील तुम्हारा फैन है। तो सबसे पहले हमने घर से इज्जत देनी है, घर वालों को पसंद करना है। क्या कहती हो, तुम्हारी एक्ट्रेस कौन सी फेवरेट थी वैसे? एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस उस्मा गिलानी साहब, अरे वो भी देखे ना, वो भी गुरु लोगों में से, फैंटास्टिक। और जो बात आपने की है ना अभी, वो इतनी खूबसूरत बात है, वो इतनी अच्छी बात आपने की है ना, कि आज के शो की सबसे अच्छी बात आपने यही की है मेरे ख्याल, क्योंकि मैंने देखें हमारा कल्चर ही डिफरेंट है, हम लोग ही डिफरेंट हैं, हमारी वैल्यूज हमारी लिमिटेशंस ही डिफरेंट हैं, तो हम किसी दूसरे कल्चर को इससे इंस्पायर होकर कैसे अपना कल्चर बिल्ट अप कर सकते हैं और अगली जनरेशन को मैसेज रख सकते हैं। उनके मजहब में रक्स है, हमने तो अपनी लिमिटेशन देखनी है। एक्जेक्टली, क्या कह आप क्या कहती हैं? तो इट्स नॉट अबाउट अदील,
लेकिन इट्स ऑल अबाउट लाइक अभी जो एग्जैक्टली उन लोगों को जो इस कहते हैं और जो लोग ये ट्रेंड दे रहे हैं, दो ट्रेंड दे रहे हैं, दे रहे हैं, जो हमारे बड़े सीनियर्स लोग हैं, सीनियर में आते हैं, हमारे टीवी चैनल्स, हमारा मल्टीमीडिया उठा के देख लें, अभी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, क्या हमने वहाँ जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपनी एक पहचान बनाई? नो डाउट कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे 100 साल आगे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बीइंग एन एक्ट्रेस, आपने अपने काम में जो भी सीखा, अब आप प्रोडक्शंस कर रही हैं, एग्जैक्टली, तो आप उन प्रोडक्शंस में क्या डिफरेंट चीज है जो कि फोकस करके डिलीवर कर रही हैं? अच्छा, थैंक यू फॉर सच क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने जो एक्टिंग एक्सपीरियंस किया वो बहुत रेयर था, ठीक है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं गई, लेकिन जितना मैं अपने सीनियर लोगों से सीख सकी ना, वो ये था कि यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, चाहे वो ये एक्टिंग की बात नहीं, कोई भी काम करते हो फोकस करके आओ, थोड़ा बहुत सीख के आओ, तो आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं फील्ड में। लोग लेकिन हमारे यहाँ एक्टिंग लर्निंग स्कूल्स तो है ही नहीं, कहाँ से सीख के आए? आप क्या समझते हैं, इसमें फिर बोलूंगा क्योंकि मेरा काम ही बोलना है। आप क्या समझती हैं कि ईंट बजरी और ईंटों की और घरे की बिल्डिंग को आप एक्टिंग सेक्टर कहते हैं? एक्टिंग है हमारे सीनियर एक्टर्स, सिखाने किसने हैं? मोहम्मद कवी खान ने सिखाने किसने हैं? जनाब आपको राहत अली आपको चाहिए, आपको सिखाने किसने हैं? फिरोज जमाल ने, तलत हुसैन ने, अपने जिंदा लोग बचा लें। और एक्टिंग इज नॉट अ फन, इट्स अ आर्ट, आर्ट इज विद इन, इट्स वेरी डीप थिंग, अगर आप उसको समझे ना। तो मैंने ये देखा कामयाबी में, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया हमारे प्रोग्राम का, अपनी कामयाबी में शोहर को कितने नंबर दोगी, अपनी वालदा को कितने नंबर दोगी? अपनी वालदा के लिए मेरे पास नंबरों की बहुत कमी है, वो तो 100 से ऊपर ही जाएगा, वो तो लाजमी बात है। दे सेहत दे, शी इज नॉट वेल, और हस्बैंड ही इज द बेस्ट हबी। हमारे जो इंचार्ज है ना कैमरा डिपार्टमेंट के, उनको भी बड़े पसंद है, थोड़ा सा गाज गुनगुना दें नुसरत फजली साहब का जो आपको पसंद है, क्योंकि रूहानी आपके उस्ताद ही हुए ना जिनके इंस्पायर है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, लूट लेते हैं ये मुस्कुराते, लूट लेते हैं ये मुस्कुराते, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बहुत मशहूर है कि आपने अपना कीमती वक्त से, क्योंकि अब आप जो काम कर रही हैं, प्रोडक्शंस कर रही हैं, ड्रामे बना रही हैं, और स्टूडियो भी है ना आपका 69, क्या है स्टूडियो 69, और उसमें मैंने भी काम करना है आपके साथ, बड़ी मोहब्बत। और अदील आपका बहुत शुक्रिया, और उमर साहब बड़ा खुश है आपसे हमारे, और आपका हमारे हाईली ऑनर कि मुझे आप लोगों ने बुलाया, आई एम वेरी थैंकफुल टू रोज न्यूज, थैंक यू सो मच। और आप दोनों का शुक्रिया, और रोज न्यूज के हवाले से न्यू टैलेंट, मैंने अदील को एक शो में से देखा सुना और मैंने कहा तुम हमारे साथ चलोगे, और हमारे साथ मैं उसे लेके भी आया। इसी तरह कोई न्यू टैलेंट आता है मेरे साथ रब्ता करें, हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको लेके आएंगे। बारका चलते चलते क्या कहना चाहोगी, जल्दी से कुछ कहना है? चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगी कि आज बारिश हो रही है, बारिश में अच्छी सी कॉफी के साथ आज आपने हमारा शो देखा है, और प्लीज इससे नेक्स्ट वेडनेसडे को भी देखिएगा, हम लोग आएंगे कुछ नई बातें और कुछ नए गेस्ट, हर दफे सेलिब्रिटीज होंगे जी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात रोज न्यूज का खासा है कि हम अपने लोकल टैलेंट को, अपने उन लोगों को, हुनरमंदों को आगे लाना चाहते हैं,
लेकिन उसको लाना चाहते हैं जो आगे आना चाहता है। घर बैठ के आपको हम ला नहीं सकते, हमसे रابطہ कीजिए। इंशाल्लाह अगली बुक को बारका भी होगी, मसूद खाजा भी होंगे, नए मेहमान होंगे, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। लेकिन खत्म करेंगे हम अदील के गाने पे। जी अदील, जल्दी से कोई, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, चिल विद रोज के साथ और अदील गा रहे हैं। अच्छा, ये सॉन्ग एक्चुअली बाबा बुल्ले शाह के। प्लीज प्लीज, वाह क्या बात है। जेड़ा सानू सैयद सदे दो जख मिले सजाइया बलिया 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 बंदिया राई साई सभी भाई रब दिया पेपर भाइया सोने परे हटाइया ते दूजे ने गल लाइया जे तू लोड़े पाक बहारा चाकर हो जा लाइया बुल्ले शादी जात की पुछड़ी शाकर हो रजाइया बंदिया हो बंदिया बंदिया हो